देखो चैप्टर फोर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एक बार फिर से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, बाकी यहाँ पे वीडियोज में देख चुके हो इसका इंट्रोडक्शन। जनरली यहाँ पे प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एनी नंबर विच आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होगा, जिसका यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि द नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। म्यूट कर लो तुम लोग। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज क्लियर। यू कैन सी हियर दिस इज अ प्रोग्रेशन, दिस इज अ सीरीज ऑफ इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10। यू कैन फाइंड आउट हियर देयर कॉमन डिफरेंस इज 2, दैट्स व्हाई दिस सीरीज आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये जो ऑर्डर है हम उसको बोल सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। अगर मान लो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मीन्स एपी के फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पे जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि सम ऑफ द सीरीज आर गिवेन हियर, तो चेक वेदर द गिवेन सीरीज आर इन एपी और नॉट। तो यहाँ पे तो जनरली बस सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद कंपेयर कर लेना है कि वो सीरीज में है या नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है -5 -7, तो डी कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी विल बी t2 - t1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, तो मान लो यहां पे देखो t2 क्या हो गया -7 - -5, तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, यहां पे मैं d1 निकाल रहा हूं मतलब फर्स्ट डिफरेंस, तो -7 + 5 व्हाट विल बी -2। सिमिलरली अगेन सेकेंड डिफरेंस फाइंड, यू कैन फाइंड लाइक दिस t3 - t1, थर्ड टर्म माइनस सॉरी सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म व्हाट विल बी, देयर विल बी -9 - -7, सिंप्लीफाई इट व्हाट विल बी -9 + 7, इट विल बी -2। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे d1 = d2, जो कॉमन डिफरेंस जो भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं किसी भी टर्म्स का, किसी भी टू कंजुकेटिव टर्म्स का, वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये एपी के फॉर्म में होगा, तो हम बोल सकते हैं कि यस मतलब द गिवन सीरीज आर इन एपी। क्लियर मनस्वी? मनस्वी आर यू लिसनिंग? ओके नेक्स्ट लेट्स सी हियर, फाइंड आउट द पैटर्न इन ईच ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन। तो हमें यहां पे चेक करना है कि यहां पे ये एपी में है या नहीं है, तो चेक यहां पे इसी तरह से कर सकते हो, फाइंड आउट द पैटर्न इन ईच ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन। जैसे यहां पे देखो नेक्स्ट एपी क्लियर हो गया। नेक्स्ट राइट दिस क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हियर यू हैव टू चेक, तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट यहां पे d1 निकालोगे t2 - t1, फिर यहां पे d2 निकालोगे t3 - t2, फिर यहां पे d3 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा t4 - t3। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। मान लो यहां पे फर्स्ट थ्री डिफरेंस फाइंड करना, उसके बाद अगर यहां पे d1 = d2 = यहाँ पे d3 आ रहा है, ऑल डिफरेंस आर सेम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द गिवन सीक्वेंस आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर टू, लेट्स सी हियर, राइट द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फॉर द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे देखो कोई भी अगर सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस मतलब द नंबर्स विच आर गिवेन इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो मान लो कोई भी अगर सीक्वेंस दिया हुआ है, कोई भी सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए,
first term represented by A, what will be 9. You have to find the common difference. The common difference मैंने बदला, it is represented by T. How to find? The T2 minus T1. Second term minus first term, third term minus second term, fourth term minus third term, like this. मतलब two consecutive number का difference find करोगे, that is called common difference. तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 12 minus 9, it will be 3. This is a common difference. Clear? Let's see, try this next question. तो देखो यहाँ पे ये try this जितना question है तुम्हें पहले practice करना है, कि जितने भी multiple choice question fill in the blanks जो आते हैं वो try this से होता है. और अभी तुम लोगों को मालूम भी है कि यहाँ पे जो अभी एग्जाम हो रही है वो सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन हो रही है, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस करना है. जितने भी ट्राई दिस क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए एक्सरसाइज में, वो पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद एक्सरसाइज को बनाओ. देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो नेक्स्ट 3 टर्म्स यू हैव टू फाइंड. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे. तो हियर यू कैन सी, हियर ए इक्वल टू ए मींस फर्स्ट टर्म 5, ए 1 इक्वल टू 5, ए 2 इक्वल टू 11, ए 3 इक्वल टू 17, लाइक दिस. तो हम लोग पहले डी निकाल सकते, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए 2 माइनस ए 1. ए 2 ए 1 ये फर्स्ट टर्म है. दानिश साउंड को म्यूट करो अपना. Mute your sound, Danish. Mic also. Mic को mute करो. इतने दिन से ऑनलाइन क्लास किया जा रहा है, अभी तक तुम लोगों को मालूम नहीं है क्या कैसे म्यूट किया जाता है? Just okay. So first of all you will find the common difference. The common difference what will be here? 11 minus 5. Then it will be 6. तो 6 is the common difference. तो यहाँ पे देख सकते हो first term, second term, third term, fourth term is given. यहाँ पे fourth term कितना दिया हुआ है, मतलब fourth term is given 23. अगर fifth term निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ पे fifth term अगर निकालना है तो यहाँ पे a plus 4d का formula यहाँ पे यूज कर सकते हो. fourth term में यहाँ पे जो fourth term है उसको plus कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे बता दू, सेकेंड टर्म यू हैव टू फाइंड, फर्स्ट टर्म इज गिवन T1 इक्वल टू 5, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म सपोज A मीन्स फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5. इफ यू हैव टू फाइंड सेकेंड टर्म तो A प्लस डी, थर्ड टर्म निकालना है तो A प्लस 2D. अगर मान लो यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, A प्लस 3D. अब यहाँ पे देखो फिफ्थ टर्म निकालना है तो A प्लस 4D. तो ये फॉर्मूला हो गया. कोई भी अगर टर्म्स निकालना है, मान लो सीरीज दिया हुआ है, नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो डायरेक्टली इस फॉर्म में यहाँ पे लिखो, इस फॉर्मूला में, और डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड कर दो. फिफ्थ टर्म निकालना है तो ये हमारा दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 5 प्लस 4 इंटू डी. डी कितना था यहाँ पे, 6. तो डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड हो जाएगा 5 प्लस 4, 6 या 24, देन इट विल बी 29. तो यहाँ पे देखो 23 में प्लस 6 करोगे तो 29 आएगा ना, तो इट विल बी फिफ्थ टर्म. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड सिक्स टर्म. सिक्स टर्म्स अगर निकालना है, यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स. तो T6 व्हाट विल बी, ए प्लस 5D. बाय फार्मूला मेथड यू कैन फाइंड 5 प्लस 6 इंटू 6, सॉरी 5 इंटू 6. सिमिलरली इट विल बी 5 प्लस 30, इट विल बी 36. तो सिमिलरली यू विल फाइंड द नेक्स्ट.